हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एयर फ्लो इन्वायरमेंट इन जीसीपी यूजिंग क्लाउड कंपोजर। तो जैसे ही हम क्लाउड कंपोजर यहाँ गूगल सर्च बार पे जाके सर्च करेंगे, इन्वायरमेंट के लिए ऑप्शन आता है, क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कंपोजर वन एंड कंपोजर टू। तो लेटेस्ट पे जाएंगे, ऑटो स्केलिंग के साथ होता है, बिकॉज कंपोजर टू में ऑटो स्केलिंग है, कंपोजर वन में ऑटो स्केलिंग फीचर नहीं है। तो कंपोजर टू पे जाके क्लिक करेंगे और इसमें जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, उसको फुलफिल करके एयर फ्लो जीसीपी पे इंस्टॉल करेंगे। देन उसको रन करके देखेंगे कि डैक्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एयर फ्लो का नाम दे दिया है, नेम टेस्ट एयर फ्लो, सेंट्रल यूएस लोकेशन है हमारी, इमेज वर्जन 2.3 ले रहे हैं और सर्विस अकाउंट दे दिया। सर्विस अकाउंट पे कुछ परमिशन देनी होती है जो ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम पे आता है इनेबल करने के लिए, उसको हम इनेबल कर सकते हैं। देन नेटवर्क को हमने यहाँ से चूज़ किया, सबनेट चूज़ किया और इंस्टॉलेशन को प्रोसेस कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी है इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ क्रिएट करेंगे इसको। जैसे ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ क्रिएट करते हैं, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे डैक्स की लिस्ट आती है, लॉक्स चेक कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, लॉक्स में अगर कोई एरर आता है तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सेक्शन होता है गूगल का, वहाँ से हम लॉग मॉनिटर कर सकते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल होने में लगभग हाफ एन आवर का टाइम लेता है, तो लेट इट बी इंस्टॉल। देन उसके बाद हम आएंगे, इसका कंसोल और यूआई चेक करेंगे। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एयर फ्लो वेब सर्वर की आईपी एड्रेस और यूआई डिटेल आ जाएगी, यूजर्स इंटरफेस की। सो अब ये हमारा एयर फ्लो इंस्टॉल हो गया। सो यहाँ से हम एयर फ्लो वेब सर्वर के नीचे एरो से, इससे हम एयर फ्लो पे यूआई पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी एयर फ्लो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा थ्रू आईपी एड्रेस। ये एयर फ्लो पे जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, डैक्स को चेक कर सकते हैं कि डैक्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। डैक्स पे आ गई है, यहाँ पे एयर फ्लो मॉनिटरिंग का एक टैग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर ओपन डैक फोल्डर, डैक फोल्डर ओपन करने के लिए डैक फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये बकेट के अंदर आ गए। डैक फोल्डर है स्टोरेज के अंदर, ये एक स्टोरेज क्रिएट हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है एयर फ्लो मॉनिटरिंग डॉट पी वाई। दिस इज द एयर फ्लो कॉन्सोल, यहाँ से डैक्स मॉनिटर कर सकते हैं। डैक्स पे कोई भी एक्टिविटी अगर मुझे मॉनिटर करनी है तो रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के साथ ये एक्टिविटीज जैसे जैसे अप होती जाएगी वैसे वैसे इसका स्टेटस चेंज होता जाएगा और दिस इज सक्सेस, ये शो कर रहा है कि सक्सेसफुल हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड अ न्यू डैक, सो नीड टू क्रिएट वन डैक फाइल। आई हैव क्रिएटेड टैग फाइल विद द नेम ऑफ एयर फ्लो टेस्ट और इसको सेव कर दिया। इस फाइल को अपलोड करेंगे डैग फोल्डर के अंदर। ये मैंने फाइल क्रिएट की है एयर फ्लो डैग, जो विजुअल स्टूडियो कोड पे ये मेरे कोड्स लिखे हुए हैं पाइथन के। इसको मैंने सेव किया और इस फाइल को अपलोड करेंगे जीसीपी में। इन्वायरमेंट में जाके अगर मैं डैग्स ओपन करूँगा लिस्ट ऑफ डैग्स, तो मुझे डैग फोल्डर के अंदर ये डैग लोकेशन की बकेट जो है मेरी, जो भी बकेट क्रिएट होगी डैग से रिलेटेड, उसकी लोकेशन आ जाएगी। और यहाँ से हम अपलोड फोल्डर, अपलोड फाइल, ऑल्सो वी कैन यूज़ कमांड लाइन जीएस यूटिलिटीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी हम मैनुअल प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जस्ट ब्राउज करके लोकेशन और एयर फ्लो डैग मैंने ओपन कर दिया है, अपलोड हो जाएगी फाइल। फाइल इज गेटिंग अपलोडेड। अब इन्वायरमेंट पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, डैग पे आके रिफ्रेश करेंगे इसको।
ये डायरेक्ट डेटा सेट ब्राउज करके डिटेल दे सकते हैं एडमिन प्रिविलेज के लिए, डॉक्स के लिए। तो अभी ये केवल एक ही डैग लिस्ट में मुझे एक सिंगल डैग शो कर रहा है, एयर फ्लो अंडरस्कोर मॉनिटरिंग। जो मैंने सेकेंड बनाया था वो था एयर फ्लो टेस्ट, उसको टेस्ट करेंगे अब। जब मैंने डैग फाइल एयर फ्लो बकेट में यहाँ पे डैग एयर फ्लो हाइफन डैग PY पाइथन फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद टेस्ट एयर फ्लो में जाएंगे, यहाँ पे टैग्स के अंदर लिस्ट ऑफ टैग्स देख सकते हैं। कुछ टाइम में ये हार्डली 2 मिनट्स लेता है, 2 मिनट्स में ये यहाँ पे अपडेट होके शो हो जाएंगी फोल्डर। अब मैं डैग कंसोल पे जाके यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकता हूँ कि मेरी फाइल यहाँ अपलोड होके शो हो रही है या नहीं। सो आई नीड टू रिफ्रेश द टैग एयर फ्लो कंसोल एंड नाउ आई कैन सी एयर फ्लो टेस्ट और सक्सेस। जो मैंने फाइल क्रिएट की थी ट्रिगर टैग, अगर मुझे फिर से ट्रिगर करना है तो मैं ट्रिगर कर सकता हूँ। और ये मैंने यहाँ से ट्रिगर किया, इसको रिफ्रेश किया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है ऑटो रिफ्रेश का, ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा। और ये नन रिमूव्ड शेड्यूल्ड क्यूड रनिंग एंड देन सक्सेस। सो ये दोनों ही डैग एयर फ्लो के अंदर सक्सेस दिखा रहे हैं, एक्टिव है, नंबर ऑफ डैग्स 2 एंड ये स्टेज है। अगर मैं किसी एक को एरर के क्रिएट करने के लिए बनाऊं, सपोज कि मुझे कोई एक रनिंग एरर शो करना है, तो मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस करूंगा जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली रन नहीं होगा। और उसके बाद हम उसको टेस्ट करके देखेंगे कि एरर कहाँ आ रही है, लॉक्स में क्या एरर दिखा रहा है, और उसको हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे।